आज में आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लेबर डे मनाया गया और लेबर डे पर छुट्टी मनाई गई, लेकिन आज के दिन छुट्टी में कितने लोग मौजे कर रहे हैं, कितने लोग कानून की वायलेशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से शहर में क्या क्या वायलेशन हो रही हैं। स्पेशल टीम हमारे साथ जाएंगे जिनमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी होंगे, एसी कैंट भी होंगे और हम मुख्तलिफ दुकानों को जिसमें सब्जियाँ, फल, ख़ास तौर पर नान और रोटी, क्या बाज़ार में दुकानों पर 16 रुपये और 20 रुपये में अवेलेबल है या नहीं है और जहां वायलेशन है क्या कार्रवाई होती है, चलें मेरे साथ आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से हमें भी शो के लिए मुसलसल कंप्लेंट्स भी मौसूल होती हैं कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया और बहुत लोग ये कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो सकती है अगर चेक एंड बैलेंस को मेक श्योर किया जाए। इसके लिए शहर में बहुत से मजिस्ट्रेट्स हैं जो डिफरेंट एसीज़ के अंडर काम कर रहे हैं, छापे भी मारते हैं, तो आज हम उन्हीं के साथ एक एक्शन करेंगे और एक ऐसे एरिया में जहाँ पर लोग अमूमन समझते हैं कि छापे नहीं मारे जाते। इस वक्त हम मौजूद हैं बरकी रोड पर और बहुत सी कंप्लेंट्स यहाँ से रिसीव हो रही थी और एसी साहब जो हैं वो खुद आज छुट्टी के दिन, क्योंकि लेबर डे है, लेकिन हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं कि आए जी हम इन कंप्लेंट्स को ज़रूर फॉलो करते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट एटीट्यूड कि मुल्क की और शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए जब ऑफिसर्स खुद फील्ड में मौजूद होते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एसी कैंट हमारे साथ मौजूद हैं, नबील मिलमन साहब, उनसे हम बात करेंगे। सलाम अलैकुम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपके ऊपर तारीफ़ नहीं कर रही थी, मैं जनरली वी बीन टॉकिंग अबाउट इट और अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही थी कि लीडरशिप और जो सुपरवाइज़र है, टीम हेड है, वो खुद जब फील्ड में होता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी जी, देखिए इसमें मान रही मैं खुद भी एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हूँ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट और हमारे अंडर लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 5 एसीज़ के अंडर 60 कुछ मैजिस्ट्रेट्स काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट बरकी के भी आपके साथ हैं, तो हमारी कोशिश है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा के डायरेक्शन पे जहाँ पे भी नोटिफाइड प्राइसेज हैं, खासकर आजकल रोटी और तंदूर पे फोकस है, नान पे फोकस है, वो हम इंश्योर करें कि वो तमाम चीज़ें डीसी नोटिफाइड रेट पे मिलें। तो जहाँ शिकायत मिलती है हम एक्शन भी लेते हैं थ्रू FIRs, फाइंस एंड सीलिंग ऑफ द प्रीमिसेस। इज इट अ कंटीन्यूअस कैंपेन या ये वक्तन फॉर वक्तन बस चलता है, ऑन एंड ऑफ चलता है? नहीं, इट्स डेफिनेटली अ कंटीन्यूअस कैंपेन, क्योंकि अभी रोटी और नान की प्राइसेज रिसेंटली रीनोटिफाई हुई हैं तो उस पर फोकस ज़्यादा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सीजन, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ द सीजन, कुछ चीज़ों की प्राइसेज में ज़्यादा इशूज़ आते हैं, कुछ जगहों पर ज़्यादा इशूज़ आते हैं, तो इट्स अ डेटरेंस दैट वी ट्राई टू क्रिएट। हम जाहिर सी बात है हर दुकान पे नहीं जा सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक द मार्केट अंडरस्टैंड कि हम मॉनिटर जरूर करें। सही, कंप्लेंट्स के ऊपर आप लोग फोकस करते हैं क्योंकि आपकी कीमत ऐप भी बनी हुई है, लोग कीमत ऐप भी बनी हुई है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कंप्लेंट बनी हुई है, सिटीजन कंप्लेंट्स हमारे ऑफिस भी आती हैं, लोग हमारे पास ऑफिस चल के भी आते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, फोन कॉल्स भी आती हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स भी आती हैं, एजेंसी रिपोर्ट्स आती हैं, CM ऑफिस की रिपोर्ट्स आती हैं एंड आम शहरियों की। बिल्कुल सही, और इसके ऊपर हम सिर्फ रोटी और नान पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में सब्जियां और फल भी बड़ा मैटर करते हैं और उनकी कंट्रोल प्राइस जो है, जो डीसी रेट्स हैं, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आए मेरे साथ। महंगाई के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट को और सिस्टम को देना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हम कुछ दुकानदारों की बात भी करेंगे जो बड़ी डिटाई के साथ कहते हैं जी रेट पे कुछ अवेलेबल नहीं है, लेना तो ले, नहीं तो यहाँ से जाए। और जो कंप्लेंट्स हमें मौसूल हो रही थी उसमें से ऐसी ही एक दुकान पर हम मौजूद हैं जहाँ पर रेट लिस्ट तो बराए नाम लगाई हुई है, यहाँ पर आप ये देखें सरकारी नरकनामे के मुताबिक रेट लगाई हुई है। मैं खेला यहाँ से लेकर गई हूँ जो 70 और 74 रुपये दे रहे हैं, लेकिन अभी क्या प्राइस बता रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है। भाई केले किस तरह दे रहे हो, केले किस तरह दे रहे हो, क्या दे रहे हैं? 200 रुपये, 150 रुपये सरकारी रेट के ऊपर तो 150 भी नहीं है, 200 भी नहीं है। क्या रेट है आपको पता ही नहीं है रेट क्या है? 145 रुपये लिखा हुआ है, 145 से 150। 200-300 रुपये क्यों दे रहे हो? केले महंगे भी आते हैं, मार्केट से बहुत तेज आते हैं। आगे आ जाओ ना थोड़ा सा, मार्केट से तेज आते हैं। कल रात को मैं केले लेके गई हूँ, तुमने कहा 250 वाला है और 300 वाला। वैसे तो नहीं लेके गया कभी भी, मैं लेके गई हूँ, मैं यहाँ ही रहती हूँ, पहचाना नहीं होगा आपने गाड़ी में। सर रेट कंट्रोल नहीं करते ये लोग, बराए नाम रेट लिस्ट लगाई हुई है। मैं 4 दुकानें घूम के आ रहा हूँ, 150-150 रुपये का फर्क है ये केले के रेट में। ये पिछले क्या कहा, मजिस्ट्रेट साहब आ गए, एसी साहब को लेकर आए हैं हम। अच्छा, और मैं इनको कह के गई थी कि रेट पे दे दो वरना मैं छापा पड़ूंगी। अभी आप को इसने क्या रेट बताया,
मुझे 150। मैं ये 200 रुपए में लेने को तैयार हूँ, बोलो दे मुझे। नहीं देगा, 300 रुपया बोला। ये मजिस्ट्रेट साहब आ गए। अस्सलाम सर। सर बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा जी पीछे से महंगी आती है, हम नहीं दे सकते। रेट लिस्ट बराए नाम लगाई हुई है, शहरी भी कंप्लेन कर रहे हैं। 150-150 रुपए का फर्क। केला 300 रुपया। कार्रवाई क्या होगी? सैफ रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। ये है कि इनको डेली हम लोग वार्निंग भी देते हैं, रेट लिस्ट भी डिस्प्ले करवाते हैं और कहते भी हैं कि रेट अपना जो है वो क्या फायदा इस डिस्प्ले का? तो आप इनको सील करते हैं, इनके शॉप सील करते हैं, इस पर पर्चा देते हैं वेंडर को, ये इनकी सजा है। इससे पूछ के गई दो दिन पहले के जुर्माने होते हैं, उसने कहा जुर्माने होते हैं, हम फिर वही रेट लिस्ट देते हैं, हमें मिलती नहीं है। इसका यही हल है ना कि जो जुर्माने से बाज नहीं आ रहा तो फिर इसको हम शॉप को सील करते हैं और इसको पकड़ के जो वेंडर को थाने में बंद करते हैं। इसको जब 2-3 दिन लगेंगे या आप यहाँ पे काम करते हो या अपनी दुकान है? काम करते हैं। ऑनर किधर है? ऑनर किधर नहीं आया, अभी तो बैठे हुए थे। नहीं इधर आए, वो सुबह के नहीं आए। क्या नाम? कमर जमान। कमर जमान साहब केले लेके गए हैं सर के नहीं लेके गए? कितने रुपए के दिए हैं उनको? जवाब दो बेटा। केले कितने रुपए के? 200 रुपए दर्जन। तो रेट लिस्ट में नहीं है, 150 रुपया लिखा हुआ है। अच्छे वाला केला 100 रुपए और 150 रुपए। ये 200 रुपए अभी हमारे आने पर दे रहे हैं सर। कल रात को इससे इस केले की कीमत पूछी, इसने कहा 300 है या 250 है। अब आप देखें कि ये ना आपका कसूर है ना हुकूमत का कसूर है। ये तो सारा दिन जो है ना इसी फील्ड में रहते हैं। अब जब शाम को घर जाते हैं तो फिर पीछे से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आती है 12 बजे, वो फिर नेक्स्ट डे हम वैसे स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट टाइम इस दुकान का चालान हुआ है कभी आपने? इमरान नाम था बंदा इसका ना, अभी ये कह रहे हैं कि कमर जमान, लेकिन इमरान आपको मुझे पता लगा था कि मालिक इमरान है, वो इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे बात सुनो, इधर काम करते हो? आलू कितने के दे रहे हो? 80 रुपए किलो दे रहे हो। अभी अभी 100 रुपए गाय जी उसने वीडियो के ऊपर। आलू कितने रुपए किलो? 30 किन्ने ने? 70। हाँ जी, कितने में दे रहे हो आलू? 80 रुपए। रेट लिस्ट पे अभी 100 रुपए बता रहा था वीडियो में, ये साथ वाली विंडो में आप वीडियो देखें, और रेट लिस्ट पे भी मैक्सिमम 75 रुपए लिखा हुआ है, उसमें भी 5 रुपए। अव्वल ये जो देते हैं, ये अव्वल दोम सोम तीनों मिक्स करके देते हैं 100 रुपए। वो भी वायलेशन है। 60 रुपए आलू मिल रहा था शहर में, 120 रुपए बताया इसने मुझे। मतलब ये सूरत हाल है कि जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो आवाम को लूट रहा है। मतलब ये फिर इनको सील करते हैं, शॉप इनकी सील होगी, 2 दिन बंद रहेगी, सामान भी इनका जाया होगा, तो फिर इनको शायद अकल आए। करके देख ले, क्योंकि मैं तो यहाँ पे फिरती रहती हूँ और चेक करती रहती हूँ, ऐसे रैंडमली भी चेक करती रहती हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह से इनकी क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से इसको सील किया जाता है। इस हिसाब से भी मैं कहूँगी कि वो खुद भी यहाँ पे तशरीफ लाएँ और उनसे बात करें, क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड जो है वो असल में लोगों को लूट रहा है। वो असल में जब 150-150 रुपये का फ़र्क आएगा एक एक सब्ज़ी के फ़ी किलो कीमत के अंदर, तो फिर आप देखिए कि सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करने आए थे वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि मुझे 200 रुपये भी दे दे तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि 300 रुपये से कम ये कीमत देते नहीं है। इसी साहब यहाँ पर हमारे साथ आ गए हैं और लेट्स सी कि क्या कार्रवाई होती है। सर तकरीबन 100-150 रुपये का फ़र्क है फ़ी किलो सब्ज़ी में, और अभी शहरी भी यहाँ पर मौजूद थे जब आप आ रहे थे रस्ते में, तो केले की कीमत, आलू की कीमत पता ही नहीं है इनको, रेट लिस्ट पे क्या लिखी हुई है, डिस्प्ले किया हुआ है, बराए नाम जो है वो डिस्प्ले हुआ हुआ है। बस ठीक है, वायलेशन जरूर मिलेंगी, हम एक्शन लेते हैं इस पे। आई एम ग्लैड कि आपने एक से ज़्यादा वायलेशन अभी यहाँ पे हमने ट्रेस की है, तो हम इन पे एक्शन लेंगे, फाइन और FIR के उस पे। सील तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, लेकिन फाइन और FIR के हमारे पास इख्तियार है। दिस कम्स अंडर एनक्रोचमेंट एज़ वेल, सड़क के ऊपर आवाम की रोड के ऊपर एक और वायलेशन भी नजर आ रही है ना, कि इंक्रोचमेंट की हुई है, कोई दुकान नहीं है। डिपेंड्स ऑन नक्शा कौन सा पास है, तो अगर सेटबैक अलाउड है तो सेटबैक पे ऑब्वियसली ये पार्किंग की जगह छोड़ते हैं, जहाँ पे इनकी पर्सनल लैंड है वो लीज पे दे सकते हैं। बट दिस कैन नॉट बी अ पर्सनल लैंड, क्योंकि ये मेन रोड है। बट अगर ये कंटोनमेंट एरिया है तो वो इंक्रोचमेंट भी कंटोनमेंट एरिया वाले देखते हैं, जहाँ पे ये हमारे MCL के अंडर आता है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको जरूर विल टेक केयर ऑफ इट एज़ वेल। बिल्कुल, दो तरह के सेब हैं सर, 400 रुपया केला, 300 रुपया वीडियो मौजूद है सर, 200 रुपये इसके ऊपर 200 बताया, मेरा भाई पूछ के गया है, उसके पास मोबाइल में वीडियो है।
सेब 600 रुपए बताया, केला कल रात को मैं लेके गई 300 से 250, दो रेट लगाने का फिर फायदा नहीं हुआ ना, अगर आप कस्टमर को कुछ और बता रहे हैं, नहीं वो नहीं तो फिर आप मार्केट से ना लें, मार्केट से वहाँ से ले, फिर आप हमें रिपोर्ट करेंगे मार्केट पे महंगा मिलता है, हम वहाँ पे भी एक्शन लेंगे। अच्छा, ये बड़ी कंप्लेन आती है नबील साहब के मंडी के ऊपर, आप अपना एक्शन करें सर, इसकी दुकान सील करनी है, जो भी करना है करें मुताबिक उसके। सर मार्केट में जो दुकानदार हैं अक्सर आपके बगैर टीम के बगैर जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि मंडी में हमें सस्ता नहीं मिल रहा, मंडी में कोई सिस्टम, मंडी में दो मैकेनिज्म हैं, एक मैकेनिज्म है कि हमारी ऑक्शन मॉनिटरिंग होती है, सेब की फॉर एग्जांपल बादामी बाग के मंडी में सेब की सुबह सुबह ऑक्शन हो जाती है, वहाँ से लेने वाला, फड़िए से लेने वाला, आरती से लेने वाला जो यहाँ का रिटेलर है या होलसेल में खरीद के यहाँ पे रिटेलर को बेचने वाला, अगर हमें वो शिकायत करे तो सप्लाई चेन का हम एक स्टेप पीछे जाके वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक, शिकायत यहाँ ओरिजिनेट करते हैं। बिल्कुल सही, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। कौन है यहाँ पे, तंदूर के ऑनर कौन है, उस तरफ है, आ जाएं सर, वेट भी चेक कर लेते हैं। और चूँकि मेरी टीम ने बाकायदा रैकी की थी, तो ये वो तंदूर है जो वाकई में विदाउट एनी टीम, विदाउट नोइंग कि मीडिया छापा मार रहा है या मजिस्ट्रेट छापा मार रहे हैं, रोटी 16 रुपए की दे रहे हैं, नान 20 रुपए का ही दे रहे हैं, और रोटी की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगी उन जगहों की, अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो रेट लिस्ट को एक दफ़ा देख के अपनी तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने एक बना के रखा हुआ भी है कि और लोगों को इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को सही वजन पे सही कीमत है। लेकिन आपके पास एक आला भी है जिससे आप वेट चेक करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम वो भी चेक करें। यहाँ पे कौन है, आए सर, तंदूर ऑनर कौन है, कौन है यहाँ पे, सुपरवाइजर कौन है यहाँ पे, सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई, मैं आपकी तारीफ करने आई हूँ कि हुकूमत के नोटिफिकेशन पे 16 रुपए की रोटी दे रहे हैं आप, इंशाल्लाह किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं साड़ी तो पूरी नहीं पै रही, थोड़ा आगे आ जाए, बस जे नहीं पूरे पै रही, गैस भी महंगा है, जो आटा लेके आते हैं वो कहते हैं कि किराया, लेकिन 16 रुपए की रोटी दे रहे हैं, दे रहे हैं, क्यों, जुर्माना हुआ था कोई या वैसे ही, जुर्माने भी हो रहे हैं इस वजह से, फिर 16 रुपए की देनी पड़ती है, आटा भी डाउन हो गया, आटे की कीमत भी। सर ये मैं चाहूंगी कि रोटी का वेट जरा चेक करा दें, कि वो रोटी के ऊपर तेल भी लगा रहे हैं आप, नहीं लगा रहे हैं, अच्छा वो है आगे एक तंदूर वाला, वो चार तिल लगा के कहता है ये वाली रोटी 20 रुपए की है, लेनी है आपने तो लें, नहीं तो जाएं यहाँ से, तो वो तिल जो है ना वो आवाम की जेब पे लग, बस उससे 100 ग्राम की रोटी 16 रुपए में मिल जाए लोगों को, दैट्स द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद लग्जरी आप स्पेशलाइज्ड जो भी बनाए, जो भी बनाए, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप तंदूर पे ख़ासतौर पर हमारा मजदूर तबका, आप रोटी का वेट चेक करिए, सर उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए हमें कि लोग डिमांड करें कि हमें 16 की रोटी ही चाहिए, हमने 20 रुपए नहीं देंगे जी, हमने ये पीछे आप फ्लैक्स देखेंगी सीएम साहिबा की तरफ से, तो फ्लैक्स है, इसका मकसद ये लोगों को आगाही लोगों में हो कि आप अपने राइट्स खुद डिमांड करें, हाँ। कीमत आप पे शिकायत भी उनकी तरफ से खुद आएगी, और जहाँ पे वायलेशन मिलेगी वो खुद हमें बताएंगे, तो हम वहाँ पर जाके वो इन्फोर्स कराएंगे, वो इन्फोर्स कराएंगे जी। रैंडम एक रोटी बनाई है उन्होंने 103, और यूजुअल 100 है, तो इसका मतलब 3 ग्राम ज़्यादा दे रहे हैं, ये कम भी नहीं दे रहे, 119 का, तारीफ करनी चाहिए, पेड़े के साइज से इनको समझ आ जाती है कि ये, इसका मतलब अगर ये दे सकता तो शहर में कहीं भी कोई भी तंदूर वाला दे सकता है, पूरी पड़ सकती है, वो अंकल ने सही बात की कि आटा सस्ता हो गया। सर आगे चलते हैं, एक और तंदूर वाला है उसको भी चेक करते हैं, फिर हम आपको एज एन, अभी तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं ना, एक और कंप्लेन है हमारे पास, बाकायदा वीडियो मौजूद है उसकी, जहाँ पे उसने बड़े धड़ल्ले से कहा कि रोटी मैंने 20 रुपए की देनी है, नान 30 रुपए का देना है, कर लो जो करना है, तो फिर आज करते हैं वहां जाकर, दिखाते हैं मजिस्ट्रेट साहब को। ये जी एक और तंदूर पर हम आ गए हैं, साथ साथ मुख्तलिफ तंदूर हैं यहां पर, और तंदूर के सुपरवाइजर, सलाम अलैकुम सर, कितने की रोटी दे रहे हैं, 20 की रोटी दे रहे हो, हाँ जी, ना रोटी 16 रुपए की और नान 20 पकड़े जाने लगे थे, अभी आपने रोटी ना जी, ना वो आपके सामने, चले वजन चेक करा दें जी, वजन चेक करा, पहले से लगे हुए इनका चेक कर लें ना, ये नान है, इसका वजन चेक कर लें सर, क्योंकि पहले से लगे हुए हैं तो आइडिया हो जाएगा, नहीं मैं खुद अपनी मर्जी से, हाँ
वजन कम है? कम है। ठीक है, रोटी और चटनी। सप्लाई के हों या नहीं हो, सप्लाई के हों या नहीं हो, 20 रुपए का नान वजन पूरा होना चाहिए। ये भी कम है। वो ये कह रहे हैं सप्लाई के नान है, सर सप्लाई के नान है वो कह रहे हैं, और हमारा रेट इससे भी कम है उनके लिए, इसलिए हम कम बना रहे हैं। नहीं ऑब्वियसली आपका आम कस्टमर जो तंदूर शॉप पे आता है जो शिकायत कर सकता है उसके लिए रेट कुछ और होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा रखा हुआ है आपके साथ तो वो फिर आप अलग करेंगे। सर अलग ही है, उसके 400 नान लग रहे हैं, मैं खुद काम कर रहा हूं। ये वाला भी उनके पास जा रहा है? मैम सारे पैकिंग 400 नान की पैकेट बनने हैं। कोई रोटी? हाँ, कोई एक रैंडम पेड़ा उठाए? नहीं वहाँ से ना उठाएं, या आगे से उठाएं? तो अलग चीज है, लेकिन अगर मैं रैंडम यहाँ पे मिस्ट्री शॉपिंग कराऊँ, मैं किसी को भेजूँ और यहाँ पे वो कम वेट का निकले, कम प्राइस का निकले, तो हम उसको उससे पहले फाइन हुआ, उसके बाद रेट सब कुछ चेक करके गए। आपको फाइन हुआ था? जी उससे पहले फाइन हुआ, उसके बाद कितना फाइन हुआ था? 5000 फाइन हुआ था। कितने अर्से पहले की बात है? 2 वीक्स पहले की बात है। उसके बाद से आपने? जी उसके बाद चेकिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है अभी। ओके हम देखते हैं ना, नया नान लग रहा है तो लेट्स सी। अच्छा जी, जो रैंडम नान हमने लगवाया और उसका वेट जो है वो पूरा आया, तो जहाँ अच्छी चीज़ हो वहाँ तारीफ करनी चाहिए, इसका मतलब उनका एक्सक्यूज सॉलिड निकला कि ये स्पेशल नान लग रहे हैं। रीजनिंग डेफिनेटली सॉलिड है मैम, लेकिन मिस्ट्री शॉपिंग करके हम पता कर सकते हैं कि ये आया कि ये कोई सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, या ये हर बंदे को कोई खराब प्राइस पे दे रहे हैं। बिल्कुल सही, तो सैफ साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है फिर आपने के दोबारा इसको रीचार्ज करते हैं। आप जुर्माना करके गए थे इनको क्योंकि उससे मिले हैं? कितना ऑफन आप चक्कर लगाते हैं? और डेली हम चेक करते हैं क्योंकि डेली कीमत है पे अपडेट करनी होती है। सर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सुनने फिर सब्जियों वालों को भी चेक कर लिया करें, फलों वालों को भी चेक लिया करें क्योंकि ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ। जी ठीक हो गया। ठीक है, मैं भाई की तारीफ करना चाहूँगी। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई वेरी गुड, आपने अपना एक्सक्यूज साबित किया और कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ दें। मैं वो दे दिया, हमें मिल गया तो हम भी देंगे। आपको रिलीफ मिलेगा तो आप भी आगे से रिलीफ फराम करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपको एक मिस्टीरियस शॉपिंग की जो बार बार हम बात कर रहे हैं वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी की है और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है कि 30 का नान लेना तो लो, नहीं तो हमारे पास और कोई नहीं है। तो उस दुकान पर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि फिर जो कर सकते हैं वो एसी साहब किस तरह से एक्शन लेते हैं। आए मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इसी साहब हम आपको एक ऐसी शॉप पर ले आए हैं जहाँ रात को ये भी नहीं लगा हुआ था। 30 रुपए का नान दे रहे थे और अभी इनकी कीमत भी ठीक हो गई है, पोस्टर भी लग गया। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा वो जो हमने रात को रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी हम प्रूफ दे सकें कि बाकायदा इन्होंने वायलेशंस की हैं। और फिर एक और इल्ज़ाम भी है सैफ साहब, मैं आपसे चाहूँगी आप इधर आ जाइए कि यहाँ पर हमें ये कंप्लेंट भी मिली है कि मजिस्ट्रेट साहब पैसे लेकर जाते हैं। मैं आपके मुँह पर कह रही हूँ सर, वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि ये लोग पैसे देते हैं जिसकी वजह से ये धड़ल्ले से 30 का नान बेच लेते हैं। इर्द गिर्द के दुकानदार जो है ना उन्होंने शिकायत की है कि हम नहीं देते हैं, तो फिर हम जो है वो 20 और 16 की रोटी देंगे। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूँगा। बॉस कितना दे रहे हो नान? 30 का? सात वाला तो 20 का दे रहा है, आप क्यों 30 का दे रहे हो? वेट का फर्क है, खमीरी भी 30 की। कौन है सुपरवाइजर? कौन है ये? आप हैं सुपरवाइजर? इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? रोटी कितने की दे रहे हो? रोटी 16 की, नान 20 का। रात को रेट चेंज हो जाता है? नहीं नहीं एक ही रेट है। वीडियो है हमारे पास,
आपसे रात को नान लेके गए, आपने 30 रुपए का दिया और आपने कहा 20 वाला कोई नहीं है, 30 का ही है। वो कुलचा है ना, कुलचा 30 का, सादा नान 20 का। सादा नान तो दिया ही नहीं, दिलों वाला कुलचा, सादा नान 30 रुपए का। देखें मेरी बात, कल रात की वीडियो हमने देखी है और ये कंफर्म किया कल रात की है, उस पर पैनाफ्लेक्स भी नहीं लगा हुआ, वो अलग एक आपकी वायलेशन है। नहीं पैनाफ्लेक्स भी आपको पता लग गया वैसे कि छापा पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपने लगा दिया। हालांकि कुलचे का फ्लेक्स पे अलहदा से जिक्र नहीं है, तो आम रोटी और आम नान जो आप कल रात तक गलत दे रहे थे उस पर तो आपकी वायलेशन बनती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो कुलचा है ना वो 30 का देते हैं, सादा नान 20 का है, सादा रोटी 16। कुलचे की, कुलचा अगर कोई अलग चीज़ होती है तो उसकी प्राइस, उसकी प्राइस लगते हैं। बात आपकी दुरुस्त, आप जो नान लेकर गए थे उस पर तिल लगे हुए थे, इधर आ जाए प्रोड्यूसर साहब, इधर आ जाए प्रोड्यूसर साहब, ये रात को लेके गए आपसे नान, सादा नान बगैर तिल के 30 का, कुलचा 30 का, 30 रुपए का रात को लेकर गए। वीडियो भी आपके सामने है, वीडियो सामने सर। अच्छा मजिस्ट्रेट साहब से कह रहे थे कि 2-4 FIR हो चुकी हैं ऑलरेडी इनके ऊपर, सर ये रिकॉर्ड शाहिद आपका नाम है ना? हाँ जी। रिकॉर्ड बताएं जरा, क्या कहां के कब हुआ है ये? मैडम ये दो तो इनके इतराम रमजान के सिलसिले में, रमजान में ये होटल खोल के रखे थे और दो उसके बाद जब से रेट कम हुआ है उस टाइम जो शुरू में इन्होंने नहीं किया था। नान की प्राइस पे ऑलरेडी FIR हो चुकी है, इसके बावजूद वायलेशन हो रही है सर, मतलब इस डिटाइल इतराम में कुलचा 30 का देते हैं सादा नहीं, ये लाइव एग्जांपल। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम जी। कितने की रोटी ली है? मैंने नान लिया 30 का। 30 का तिलों वाला या तिलों के बगैर? मैंने तिलों वाले दिए, तिल लगे नहीं थे ऊपर, तिल नहीं थे, सादा नान 30 रुपए का ले जी सर। छोड़ दे हमारे प्रोड्यूसर की वीडियो का, लाइव एग्जांपल मजदूर साहब कह रहे हैं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली वायलेशन करते हैं। रोटी कितने की देते हैं? नहीं रोटी नहीं खाई मैंने, नान खाया 30 रुपए का दे रहे हैं। नहीं डेफिनेटली कल रात और आज में अगर ये वायलेशन निकली है तो ये एक समरी वायलेशन नहीं है, ये दो हैं, आप उसके अप्रोप्रिएटली फिर इन्हें फाइन करेंगे और जहाँ तक आपके पास शटर की अवेलेबिलिटी है आप सील भी करेंगे इसे। मुझे बताएं कि वायलेशंस के ऊपर जुर्मानों से फ़र्क क्या पड़ता है? अभी हमारी टीम वापस चली जाएगी, शो ख़त्म हो जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब भी चले जाएंगे छापा मार के, उसके बाद पूरे दिन की वो वायलेशन में अपने पैसे। मैम 1977 का एक एक्ट है, बस उस पर हमें अप टू 1 लाख की ऑप्शन होती है, समरी इंक्वायरी होती है, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने मेरे ख्याल से अपनी जजमेंट के मुताबिक जो पहले FIR और फाइन की थी उनका अगर असर नहीं पड़ता तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम इसको बढ़ा के दें और इन्हें एक दो दिन सील भी रखें, जहां से इन पे वो उस पर अगर डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता तो वी कैन ऑल्सो देन, ये प्रोविजन है लॉ में जो हम यूजली इतना रिजॉर्ट नहीं करते कि हम इन्हें जेल भी भेजें, ऐसे जो कलंदरा भेज दें, ठीक है, लेकिन सील करने की ऑप्शन तो मौजूद होती है ना। आई थिंक उनके बिजनेस पे डेंट पड़ेगा सर, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। मैं चाहूँगी सर आप जरा इसका साइज भी चेक करेंगे जो रोटी लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने की रोटी मिल रही है? रोटी अभी लेनी है। बताई कीमत इन्होंने? अब 16 रुपए की मिलेगी, लें जरा सर इसका वेट चेक करें, इसमें से रोटी निकालिएगा या जो पहले से बनी हुई है उसका चेक कर लें। नहीं ये पहले की बनी हुई है, ये पहले की बनी हुई है। चलिए इसका प्राइस वेट चेक कर लेते हैं। ये शॉपर में से ज़रा नान भी निकाल के दिखाओ, सादा नान है ये या कुलचा है? सादा नान दिखाओ। ये तो ठीक है, ये ठीक है, जो ज़ाहिर है सर 20 रुपए की दे रहे हैं तो वेट तो ठीक होगा ही ना। तिलों के बगैर वाला नान दिखाओ जो लगा रहे हो, लगाया ही नहीं है, नहीं। सादा दे ही नहीं रहे लोगों को ना, दे रहे हैं सादा, दे 30 रुपए का बेच रहे हो, 30-30 के पड़े हुए हैं, सादे वाले कहाँ गए फिर? ये तिलों वाले हैं जी, वो कहते हैं हमने तिल लगा दिए तो 10 रुपए हम उसके लेंगे, सादा नान लगाया ही नहीं है, इसका मतलब लोगों को ये सादा नान बेच ही नहीं रहे, सिर्फ 30 रुपए का बेच रहे हैं। ये तिल वाले, तिल वाले नान सारे तिल हैं, सादा नान यहाँ पे कोई लगा ही नहीं हुआ सर, सारे ही तिलों वाले 2-4 तिल लगा के ऊपर उसको लग्जरी आइटम में बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर रोटी ले ली आपने? अभी लेने आए। कितनी कीमत बताई उन्होंने? अभी बताई नहीं, पूछा नहीं, अभी बताई नहीं, हम लोग आ गए ना 16 रुपए की मिलेगी जब तक सील नहीं होती। नहीं इंशाल्लाह 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए की नान जैसे फ्लेक्स में इन्होंने दिखाया कि अवेलेबल है वो अवेलेबल होनी चाहिए। किसी कोने कुदरे से उन्होंने फ्लेक्स भी निकाल दी है, बच्चे साइड पे होना हमारा, जरा ये दिखाना कितनी बुरी हालत है उस फ्लेक्स की भी, कि कहीं छुपा के रखी हुई थी, अब उनको पता है कि पूरी रोड पे एक्शन हो रहा है तो उन्होंने नहीं, दुकान के साइज देखते हुए वी शुड मेक श्योर कि यहाँ पे 2 या 3 फ्लेक्सेस दिखें और साथ ही साथ वो properly available और visible भी हो। चलें आप कराएं सर इनसे, कहें कि ये सील करनी है या जुर्माने करने हैं, हमारे सामने ये कार्रवाई हो। सर सर कितना कितना फाइन होगा? फाइन ऐसे सामने कर दी सर, कितना फाइन होगा? जहाँ सील होता है वहाँ पे फाइन, हम कोशिश करते हैं कि विदाउट एनी कोई उसमें बेजाबती ना हो तो हम AC ऑफिस में एफिडेविट लेते हैं, उस पर हम फाइन करते हैं, ठीक है। अगर ये कमिटमेंट एक हमें एफिडेविट पे देते हैं, हम 20 का
सादा नान और 16 रुपए की रोटी देंगे, आप वार्निंग दे दें। निकल आई है और दो दफ़ा निकल आई है, आपके सामने शिकायत आई। मुझे एक बात बताओ भाई, एक छोटी सी बात है, क्यों नहीं दे पाते हो आप 16 पे और 20 पे? ईमानदारी से बात सुने, जो कुलचा है ना वो 30 का देते हैं, सादा नान 20 का, वजन का भी साफ वजन का भी हिसाब होता है ना, वजन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सबसे ऊपर वजन। अगर आप 20 वाला नान भी लगा के रखते और कुलचा भी देते तो शायद बचत हो जाती। उस बंदे ने कहा कि सादा नान आपने 30 रुपए का दिया, छोड़ दे मेरे प्रोड्यूसर की वीडियो को, आपके सामने लाइव वजन का भी हिसाब मैडम होता है ना, तो वजन पूरा पूरा रख के आपकी पूरी तो आप वार्निंग हमें दे रहे हैं तो पूरी नहीं पड़ती। मुझे सिर्फ ये बताएं, 16 रुपए की रेट देने में आपको प्रॉफिट नहीं है, ये बताएं, शिकायत करें गवर्नमेंट को कि भाई नहीं पूरी पड़ी 16 रुपए का, नहीं ना कितना आटा कटा हुआ है, आटे की कीमत कम हुई है ना, कितना कम हुआ है, कितना कम हुई है सबके साथ है बेटा, आपका केले का थोड़ी है, बाकी भी तो कर रहे हैं, लेकिन सैफुर रहमान साहब साडा वजन ऊपर होता है, इनका कहना ये है कि हम 150 रहे हैं, 140 हम का कोई चीज अच्छी दे सर, देखें क्यों 4 रुपए की बात, अच्छी चीज के साथ गवर्नमेंट रेट वाली भी रखो ना, आपके पास तो वो है ही नहीं। इनकी रोटी का वेट पूरा है सर, 120-115 है, पर पॉइंट ये है कि ये कीमत पर नहीं दे रहे ना, तो आप मैम देखें 16 रुपीज़ की रोटी जो शहरी का हक है वो पूरा करें, बाकी अगर कोई लग्जरी आइटम साथ देना चाहें तो दें, क्योंकि जहाँ पे एक पेड़ा बना रहे हैं अगर वो उस बंदे के लिए पेड़ा बना के फ्लैक्स के मुताबिक दे देते हैं, बाकी अगर 100 रुपये की अलहदा रोटी कोई बेचते हैं 200 ग्राम वाली तो उनकी अपनी मर्जी वो इतनी है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप 16 रुपये वाली रोटी बेचें कम वेट वाली, जिसको ज़्यादा और अच्छी रोटी चाहिए उसको आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए, वो है नहीं। सैफ साहब आपके ऊपर एक और इल्ज़ाम है, इस दुकान से आप पैसे लेकर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप पैसे लेकर जाते हैं कभी? कभी ले गया, ईमानदारी से बता रहे हैं, लोगों ने शिकायत की, लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, बोलते हैं। अभी जुर्माना करेंगे आपको, मेरे सामने में करा के जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस दुकान का जुर्माना नहीं होता और अंदर खाते पैसे ले जाते हैं, और दिखाएं निकालें, हाँ वो दैट प्रूव्स योर इनोसेंस, कि अगर आपने मुझे FIR का भी कहा तो उससे भी साबित हो गया कि अगर पैसे लेकर जाते तो फिर उस दुकान के FIR ना होते। पिछली दफा कब हुआ था जुर्माना भाई? कितना अर्सा हो गया? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? 3-4 दिन। कितने रुपए का? 10,000। किस चीज का? कुलचा देते हैं हम 30 का। कुलचा आप 100 रुपए का दें कोई नहीं पूछेगा। सादा नान है ही नहीं आपके पास, आप सादा नान 30 रुपए का दे रहे हैं। ये एक मजदूर था यहाँ पे, वो शिकायत कर रहा था। नहीं, सादा नान 30 रुपए का? सादा नान हम नहीं बेचते। मेरा प्रोड्यूसर रात को लेके गया, वीडियो बनाई है, ये सादा नान 30 रुपए का दिया इनको हमारे आने से पहले। सादा नान जो कहता है ना सादा नान, सर उसका 20 का लगा के देता है। जो ले, ये क्या बात हुई जो कहता है सादा नान है ही 20 रुपए, सॉरी सादा नान है ही 20 रुपए का, ये लें जी 22 तारीख का ये चलाना है, और ये पैसे लेकर गए हैं और ये सरकारी खजाने में गए हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ऐसा होना चाहिए जी एक सरकारी ऑफिसर को कि अपना अपनी करप्शन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसको साबित करें कि हमने नहीं किया। एक और बंदा है, हाँ जी भाई 30 रुपए क्या नान, कौन से वाला? तिलों वाला तो 30 का मिलेगा, वो कह रहे हैं सादा नान कितने का मिला? सादा हम लेके नहीं जाते, सादा लेके नहीं जाते, सादा है नहीं। वो उन्होंने कहा मैं तिलों के बगैर लेके, ये लेके गए हैं रात को, यहाँ रहते हैं सादा नान, वीडियो है, दिखाओ जरा वीडियो इनको, साबित करो सादा नान की है, साबित करो। क्यों जुर्माने करवा लेते हैं बार 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 बार, जितने में आपकी पूरी भी नहीं पड़ती, क्यों नहीं अमल दरामद कर लेते सरकारी रेट्स के ऊपर? अपनी मान से बताएं, पूरी नहीं पड़ती है, प्रॉफिट नहीं निकलता, नहीं पड़ती पूरी, आटा सस्ता नहीं किया है, तंदूर वालों के लिए किया, 900 की बोरी थी तब नान 30 का हुआ था, अभी भी अभी जो बाकी तंदूर वाले दे रहे हैं वो इतना नान लगा रहे हैं, तो इतना लगाएं आप, फिर भी जुर्माना? नहीं जुर्माना ना, नहीं मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहन समझ लें, एक ट्रिक बताती हूँ, 20 रुपए वाला नान बेचें, ठीक है, साथ आप कुलचा 30 रुपए का 35 रुपए का बेचे, कोई कुछ नहीं देगा। वाला नान है ही नहीं ना, है ही नहीं, ये सारे तिलों वाले पड़े हैं, सादा नान ही कोई नहीं है, वो लेके गया रात को सादा 30 रुपए का। आप पीछे से आइए, किस दुकान पर रास्ता, किसकी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, किस दुकान पर रास्ता, नहीं मुझे नहीं पता था किस दुकान पर रास्ता, बड़ी दुकानों पर नहीं, सिर्फ इस दुकान पर रास्ता, क्यों साथ में सालन वगैरह नहीं, नहीं सालन वगैरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे नान अच्छा होता है, लगा रहे हैं लोग 20 का। आपको आपको देखें, आपको लॉजिक समझ नहीं आई, अच्छे वाला नान दें आप जी, जिसकी डिमांड है आप उसको किलो वाला नान दें जी, सादा दोनों देते हैं, दोनों लगा, हम दोनों लगाते हैं, आइंदा करेंगे ना, आप जुर्माना हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, वायलेशन आपने किया है। बॉस कितना दे रहे हो नान? 30 का, खमीरी भी 30 की।
मज़न सही कहा इन्होंने कि पांच तंदूरों के बाद जब छठे पे कंप्लेन आती है तो रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बड़ी दुकान है, सालन भी साथ मिल जाता है, बड़ा बाकायदा एक ढाबा रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट के ऊपर चीज़ फराहम नहीं कर रहे तो आपके जुर्माने होंगे, और वो 2000 नहीं, वो 5000, 10000 और 20000 तक भी हो सकता है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ के दुकानदार जानते हैं और बाकायदा वो हमें सबूत दे रहे हैं कि जी हम इतने इतने जुर्माने करके गए हैं। इनकी दुकान को सील कर दिया गया है, एसी साहब ने खुद यहाँ पर कार्रवाई की है। एंड आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट मजिस्ट्रेट साहब कि ऑन एंड ऑफ यहाँ पर चेक करते रहें, क्योंकि जितना मेरे पीछे आप हमारा अगर कैमरा घुमाकर देखें तो ये बस सारा मजदूर तबका है जो डेली बेसिस पर यहाँ पर रोटी खाता है, और अगर उसे ही गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट पर रोटी या नान नहीं मिलेगा तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। सर थैंक यू वंस अगैन, छुट्टी वाले दिन आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए, और यूजुअली लोगों को लगता है कि छुट्टी वाले दिन अफसरान भी छुट्टी मना रहे हैं तो छापे नहीं पड़ेंगे, तो हमने वायोलेशंस भी पकड़ी, हमने जुर्माने भी कराए। सैफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए थे, और आई थिंक ये दिस इज़ योर सर्विस टू द पीपल कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उससे आवाम को जो है वो फ़ायदा होगा। कुछ एक मैसेज आप आवाम को अगर देना चाहें कि वो आपके साथ इसमें हेल्पिंग हैंड कैसे हो सकते हैं। जी मैम, इसमें मान रही गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि आपको एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रॉपर प्राइसेस पे दें, हमारा फ़र्ज़ है हम चेकिंग करें, आपका फ़र्ज़ है कि आप हमें शिकायत पहुँचाएँ, तो जहाँ पे आपके प्रोग्राम ने और जहाँ पे शहरियों ने हमें शिकायत पहुँचाई हमने वहाँ पे फ़ौरन एक्शन लिया है। लाहौर है, बहुत बड़ा शहर है, हम कोशिश करें पूरा स्वीप करें, और जहाँ हमें शिकायतें खुद मिलती हैं हम उन्हें देखते हैं, जहाँ पे आपकी शिकायतें हमें आएंगी वी विल क्लोज दैट गैप। ज़बरदस्त जी, आप गवर्नमेंट के ईयर्स एंड आइज़ बन सकते हैं और इस इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और जहाँ पे भी आपको कंप्लेन है आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कीमत आपके ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के थ्रू भी, कि हम वहाँ पर आपके साथ आपकी ईयर्स एंड आइज़ बनकर एक्शन लेंगे और आम आदमी को जो गवर्नमेंट ने रेट फराहम किए हैं, वो चाहे 16 रुपये की रोटी है, वो 20 रुपये का नान है, वो चाहे 70 रुपये के किलो आलू हैं जो लोग 150-150 रुपये बेच रहे हैं, आप कंप्लेन करें उसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए।